हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। चलिए बात करते हैं टीवी सीरियल अनुपमा के। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि डिंपल की जो मदर है वो अनुपमा से कहेगी कि मैं भी एक माँ हूँ जो अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, जबकि मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी जबकि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो चाहे। अनुपमा, तुमने भी तो यही किया। वो कहती है, अनुपमा तुमने डिम्पी को सपोर्ट नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों और उसके साथ ऐसा क्या है जो तुमने उसे सपोर्ट नहीं किया। अनुपमा, तुमने सिर्फ डिम्पी को अपनी बहू या बेटी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि तुमने उसको जैसी वो है वैसी ही डॉटर इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट किया बिना किसी दहेज के। वनाट कहता है कि हाँ, इवन हमारी भी तो बेटी है, इसलिए हमें पता है कि किसी की बेटी होना क्या मतलब है। इधर दिखाया जाएगा कि लीला सार्केस्टिक कमेंट मारेगी उन दोनों के बीच में। दोनों की जो माँ है वो डिम्पी की मिस्टेक को माफ़ कर देंगे और कहेंगे कि अब हम कुछ अच्छा प्लान करते हैं। लीला कहेगी कि हाँ क्यों नहीं, हर किसी की इज्जत खोने के बाद वापस ज्ञान देना इवन डिम्पल की माँ ही कर सकती है। बाद में डिम्पल की माँ कहती है कि तुमने इस तरीके से सबके साथ बिहेव क्यों किया, ये सब तुम्हारी या फैमिली है। लीला दोबारा कमेंट करती है। समर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए डिम्पी के बारे में। अनुपमा कहती है कि आप अब कन्यादान के रस्म पूरी कीजिए। डिम्पी की माँ कहती है, समर डिम्पी तुम्हारा प्यार एकदम अनुज और अनुपमा की तरह प्योर होना चाहिए। और हर कोई यहाँ पर इन दोनों को देखता है। समर डिम्पी यहाँ वेडिंग के रिचुअल स्टार्ट करते हैं। पंडित जी ब्राइड की मदर से कहते हैं, आप दूल्हे के पैर को धुलाइए। समर कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आप माँ हैं और मेरे पैर छुएं। लीला कहती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। समर कहते हैं कि नहीं, ये रिचुअल बिना बड़े के छोटों के पैर छुए के बिना होंगे। डिम्पल की मदर कहती है कि अच्छा ठीक है पंडित जी, तभी कंटिन्यू करते हैं मंत्र। अनुपमा रिकॉल करती है अपनी और अनुज की वेडिंग। डॉली यहाँ पर गठबंधन परफॉर्म करती है। पंडित जी ब्राइड से कहते हैं कि आप भी कन्यादान परफॉर्म कीजिए। यहाँ पर माया स्माइल करती है सोचकर, अनुज के साथ में अपनी शादी में तेरी हो गई। यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक सुनाई देगा। काव्य तभी खांसती है, वनराज उसे पानी देता है। ब्राइड और ग्रूम फिनिश करते हैं फेरे। ग्रूम तभी यहाँ पर मंगलसूत्र पहनाता है डिम्पी के यहाँ पर और उसका सिंदूर भी लगाता है उसके हेयरलाइन में। अनुपमा तभी रिकॉल करती है अपनी और अनुज के सिंदूर भरने के रस्म को। पंडित जी अनाउंस करते हैं कि शादी संपन्न हुई, अब से आप दोनों पति पत्नी। हर कोई तालियां बजाते हैं। अनुपमा को एडवाइस देती है कि दो लोग पहले होते हैं लेकिन उनको कभी भी रिलेशनशिप नहीं भूलना चाहिए। तभी वो हंसमुख की ब्लेसिंग्स लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। लीला भी उनको ब्लेस करती है और एडवाइस देती है कि तुम लोग लड़ना झगड़ना मत, ठीक है। तुम मेरी मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर इन लॉ हूँ, इसलिए मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। भावी शोकांता भी उन्हें ब्लेस करते हैं। वनराज भी उन्हें आशीर्वाद देता है। समर से कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, मैं पहले तुमसे जेलस था लेकिन अब ये तुम्हारी बेस्ट क्वालिटी मुझे फील होती है। किंजल और तोशु भी उन्हें गुड विशेज देते हैं। अंकुश भी उन्हें बधाई देता है और एडवाइस देता है कि अनुपमा का रोल मॉडल बनना बहुत ही अच्छी बात है तुम लोगों के लिए, इसीलिए तुम किसी अनजान को फॉलो मत करना, अपनी माँ को फॉलो करना। बरका कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम तो हमारे लिए अनजान ही हो। तभी वो सोचती है कि डिम्पी और शाह फैमिली एक दूसरे के साथ अब लड़ना झगड़ना शुरू करेंगे। वो अनुज की ब्लेसिंग लेते हैं और अनुज यहाँ पर पोएम पढ़ता है जिसका इंपॉर्टेंस होता है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहना और एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करना। अनुपमा हक करती है और कहती है, अब से तुम शादीशुदा हो। तोशु कहता है, इट्स पार्टी टाइम। डिम्पी की माँ कहती है, अब मुझे चलना चाहिए। अनुपमा कहती है कि अरे विदाई तो देख दीजिए तभी जाइएगा। वनराज कहते हैं कि हाँ आप ऐसे कैसे जा सकती हैं, आपने अपनी तो बेटी की शादी का खाना भी नहीं खाया। तभी यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मैं यहाँ आप लोगों को बिना बताए आई थी और मेरे हस्बैंड को भी बिना बताए आई हूँ, इसीलिए मुझे उनके घर लौटने से पहले लौटना होगा। डिम्पी हक करती है इमोशनली और कहती है, क्या आप पापा को कन्विंस नहीं कर पाई मुझे माफ़ करने के लिए। उसकी माँ कहती है कि तुम जानती तो हो तुम्हारे पापा कितने ज़िद्दी हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अगर कोई बच्चा आएगा तो वो ज़रूर पिघल जाएंगे। समय कहता है कि अभी तो बेबी के बारे में बात मत कीजिए, मैं तो खुद बच्चा हूँ। किंजल तोशु टॉन करते हैं कि चाहे जो हो जाए, जो होना है वो तो होगा। तभी दोनों की माँ वहाँ से चली जाती हैं। इधर दिखाया जाएगा वनराज डिम्पी को सजेस्ट करते हैं कि तुम रोना बंद करो, खुश रहो, तुम्हारी माँ ने सरप्राइज़ विजिट दी और उनके आंसू पहुंचता है। अनुपमा ईगरली दरवाजे को देख रही होती है। काव्या पूछती है, क्या हुआ। अनुपमा कहती है कि मैंने गुरुमा को शादी में इनवाइट किया था लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएंगी। गुरुमा यहाँ नकुल के साथ आती हैं। अनुपमा बहुत खुश हो जाती है और सबको इंट्रोड्यूस करवाती है, गुरुमा आ गए।
हर कोई देखता है गुरुमा को। लीला कहती है कि क्या ये सच में सीरियल एक्ट्रेस हैं। डॉली कहती है कि नहीं, ये ग्रेट कास्ट क्लासिकल डांसर हैं मालती देवी। अनुपा उनके पैर छूती है, उनको वेलकम करती है। अनुज नोटिस करता है गुरुमा अंदर आ रही हैं और उनका जो पैर है वो एक चोबे पर पड़ने वाला होता है। उससे पहले वो उनके पैर के नीचे अपना हाथ रख देता है और दोनों बहुत ही कनेक्टेड फील करते हैं। और अनुपमा अनुज का ये बिहेवियर देखकर बहुत खुश हो जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। उसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वैसे ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।